तो दोस्तों फिर से मिली है नंदनी और यह तुलसी, दोनों को चारा डाल दिया है। नंदनी अभी खा रही है। अब यह तुलसी इसने खा लिया। टुल्लू जा जा, टुल्लू कम, खा लिया तुमने टुल्लू मैडम? इसने खा लिया है। और अब इसको मैं ये रखूंगा इसको कपास बोलते हैं, और इसमें थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल भी डाल दिया है ये तुलसी के लिए। कपास का तेल, खल वगैरह सब रहता है। तो एक चेक कर लेता हूँ गर्म है कि थोड़ा सा है, थोड़ी देर और मिक्स करेंगे। तो दोस्तों अभी इसको मैंने अच्छे से हिलाया और ये ठीक है, अब ये ठंडा भी हो चुका है। आज थोड़ा सा इसमें तेल मैंने हल्का सा ज़्यादा डाला है, तो पता नहीं ये नखरा करेगी या नहीं करेगी, वो देखना पड़ेगा। लेकिन उसको देखो वो कैसे इंतज़ार कर रही है, ठीक है, उसकी नज़र यही है, उसको पता है कि अभी उसके ये आने वाला है, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं लेके जाऊँगा देखना। ये देखो अच्छे से इसने जरा रुक, रुक जा, हो गया। सांस लेते रहना बेटा। धीरे। उसके ये थोड़ा सा भी खत्म हो जाएगा ना नंदिनी का, तो इसके भी डाल दूंगा। अब इसका चारा है, खा रही है, और इसका थोड़ा गर्म भी है, ठीक है ना। तो ये मैं दिखाता हूँ नंदनी का कपास। ये तेल वगैरह सब डाल के रेडी है, खाली इसमें कैल्शियम डालना बाकी है। ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम कौन सी कंपनी का कैल्शियम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें जो कैल्शियम मैं डालता हूँ वो है ये कंपनी का, ये वर्बेक कंपनी का आता है, सेलेटेड ऑस्टोवेट, बहुत ही अच्छा ब्रांडेड है ये कंपनी। फोकस कर लेता हूँ मैं ये कंपनी, और ये इसकी जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू है, ठीक है, ये इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, काफ़ी अच्छा आता है। और इसके अंदर एक चीज़ और डाली जाती है, ये इसके अंदर ये भी डाला जाता है विमरल, ये विटामिन्स वगैरह है, मिक्सचर रहता है जिसकी वैल्यूज ये भी, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। कैल्शियम कभी भी यूज़ करें तो अच्छा वाला यूज़ करें, ब्रांडेड यूज़ करें। ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, दोनों ये और वो मिला के कुछ 1400 रुपये का पड़ा। इसको वापस अंदर रख देते हैं।
दोस्तों 1400 रुपये का पड़ता है, लेकिन काफ़ी अच्छा है और इसके जो रिज़ल्ट है काफ़ी बेहतर है। आप यूज़ करोगे तो आपको मिलेंगे, दूध भी बढ़ता है और पशु भी उसका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है। ये तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करके बाद में आता हूँ, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों तुलसी ने जो है अपना ये सब कुछ फिनिश कर दिया, एकदम क्लीन है, ये एकदम क्लीन कर दिया। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। इसके पास चले जाओ, बस ऐसे करते रहो, ये खुश है। इसको कुछ नहीं चाहिए, ना तो इसको खाना चाहिए ना कुछ, ऐसे करते रहो। देखना अभी मैं यहाँ आऊँगा तो यहाँ जाएगी वो। देखा तो इसके हो चुका है, अब इसकी बारी। इसको अभी नहीं डालूँगा क्योंकि इसने अभी अभी चारा खाया है, खा रही है, इसको थोड़ी देर बाद में दूंगा। तो ये है रूटीन, यहाँ का काम हो चुका है, अब जाऊंगा मैं चारा लेने के लिए और चारा ला के यहाँ पर स्टोर कर दूंगा ताकि रात को और सुबह इनको डाल सके। तो ये था, और इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया है, कैल्शियम वगैरह डाल के इसको बंद कर दिया है यहाँ पर, क्या मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी है इसलिए इसको बंद कर दिया, थोड़ी देर बाद डालूँगा। फीड वगैरह सारी बहुत ही महंगी होती है, बहुत ही कॉस्टली हो चुकी है, ठीक है। आपको मैंने दिखाया कैल्शियम का डब्बा 1400 रुपये का कुछ पड़ता है, और कपास वगैरह लेने जाओ आप उसको फिर दलाओ वो, फिर बाजरी डालो, खल डालो, सब कुछ है, काफ़ी महंगा ही है। और दूध की रेट जो है वो किसान को सही मिलती नहीं है, सिटी में 70 रुपये 80 रुपये 100 रुपये बिक रहा है और गांव में 30 रुपये भी देने के लिए जोर आता है। तो ये हाल है, यही कारण है कि काफ़ी जो डेयरी फार्म्स है वो बंद होने के कारण यही है कि सही मूल्य उनको मिल नहीं पाता। चलिए अगले वीडियो में मिलता हूँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।